गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी को स्वागत है आप ही के चैनल फर्स्ट एड स्कूल में। दोस्तों, आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ यार, क्योंकि मुझे पता है आप सभी लोग मेरे वीडियो के वेट कर रहे होंगे। और बहुत ही सारे सब्सक्राइबर भाई मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहे हैं, भाई आपका वीडियो डिले क्यों हो रहा है, आपका वीडियो लेट क्यों हो रहा है। तो दोस्तों यार, मैं काम पर बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता हूँ, मेरे फैमिली में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए मैं जॉब करने लग गया हूँ यार। मैंने आगे भी वीडियो में बताया है, शायद कुछ सब्सक्राइबर भाइयों ने उस वीडियो को नहीं देखा, तो इसीलिए यार थोड़ा बहुत लेट होता है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक जॉब करना पड़ता है, तो वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं रहता यार। तो मैं सुबह जल्दी उठकर ना वीडियो बना लेता हूँ, कभी उठ पाता हूँ कभी नहीं उठ पाता, ज़्यादातर यार बेस्ट ट्राई करता हूँ वीडियो बनाने की। तो एडजस्ट कर लेना यार और मेरा ऐसे ही साथ देते रहना। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो ज़रूर से लाइक बटन को दबा देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लेना, क्योंकि आप सभी के लिए मैं डेली इंडिया से रिलेटेड रिएक्शन वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो का टाइटल कहूँ उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम सागर और मैं नेपाल से हूँ। और हाँ यार, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का नेम यहाँ पर भी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, फॉलो कर लेना। वहां से मेरे से बातें कर सकते हो, मेरे को लिंक सजेस्ट कर सकते हो यार। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो के टाइटल के ऊपर चलते हैं। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को रिएक्ट करने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिएक्ट ऑन इंडिया इज हेवन ऑन अर्थ अफगानी गर्ल हार्ट टचिंग वीडियो। तो दोस्तों, ये वीडियो अफगानी गर्ल का है, उन्होंने कुछ कहा होगा इंडिया के बारे में, तो हम देखते हैं। लास्ट में मैं अपना ओपिनियन जरूर रखूंगा, आप भी अपना ओपिनियन रख सकते हो कमेंट बॉक्स पर। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो की तरफ चलते हैं। नहीं, यहाँ रहना है, अफगानिस्तान नहीं जाना है। और इसका कल्चर फेस्टिवल जो है बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली दिवाली और होली। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री एंड द फ्रीडम कंट्री फॉर एवरीवन। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीएनएन वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसरा है। कहाँ से हो आप? मैं अफगानिस्तान से हूँ। अफगानिस्तान में कहाँ से? काबुल से। अच्छा, कब आए इंडिया? एक्चुअली 4 साल पहले मैं आई थी। 4 साल काफ़ी लंबे समय से है, तो इंडिया कैसा लगता है? इंडिया बहुत अच्छा है, इसका पीपल जो है बहुत अच्छा है और इसका कल्चर जो है सब अच्छा है। हम बहुत इंडिया को बहुत पसंद करती हूँ। इंडिया आने कोई खास वजह? स्टडी के लिए हम आई थी, पर यहाँ होने का शौक थी। अच्छा, स्टडी में अभी आप क्या करते हो? अभी इंस्टीट्यूट में पढ़ रही हूँ। इंस्टीट्यूट में किस चीज़? किस चीज़? डिज़ाइनिंग। डिज़ाइनिंग, वाओ, आपको डिज़ाइनर बनना है? हाँ। वेरी नाइस। तो क्या डिज़ाइनर बन के इंडिया में रहना है या अफगानिस्तान जाना है? नहीं, यहाँ रहना है, अफगानिस्तान नहीं जाना है। आपको इंडिया में सबसे बेस्ट क्या लगता है? इसका जो फूड है बहुत पसंद करती हूँ मैं, ये मोमोस है सब फूड। और इसका कल्चर फेस्टिवल जो है बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली दिवाली और होली। अच्छा, दिवाली होली। हाँ, होली में कलर्स के साथ खेलना पसंद है आपको? बहुत। अच्छा, मेरे उतना ज़्यादा नहीं है फ्रेंड, इंडियन फ्रेंड नहीं है, थोड़ा थोड़ा है, एक दो है, मैं उसके साथ बहुत खेलती हूँ होली में। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है मुझे, मज़ा आता होगा। तो आपके रिलेटिव्स कुछ लोग जो होंगे जो अफगानिस्तान में रहते हैं, तो उनसे बातचीत होती है? हाँ, समटाइम्स। अच्छा, ऐसा सुनते हैं कि अफगानिस्तान में सिक्योरिटी इशू है थोड़ा, जो अदर कंट्रीज़ है वो थोड़ी सी दबाव क्रिएट करती है, तो क्या है ये? अफगानिस्तान तो सिक्योरिटी, ऑल वी नो इट्स नॉट गुड, दैट्स व्हाई द पीपल ऑफ अफगानिस्तान डिस्प्लेस फ्रॉम देयर, फ्रॉम अफगानिस्तान टू हियर। सो उसका सब पता है, सिक्योरिटी नहीं हुआ है इसलिए। तो फिर वहाँ पर लोग सेफ रहते हैं, कैसे रहते हैं, लाइक बातचीत तो होती होगी? सेफ तो नहीं है, तो सेम नहीं अफगानिस्तान। अच्छा, आपके फादर वहाँ पे क्या करते थे? मेरा फादर डॉक्टर थी वहाँ। अच्छा, और यहाँ पे क्या करते? अभी कुछ नहीं। अच्छा, मतलब उन्हें अपना जॉब छोड़ कर आना? उसका प्रॉब्लम ये लैंग्वेज नहीं आती इसलिए। अच्छा, यहाँ पे लैंग्वेज आती इसलिए उन्हें जॉब नहीं मिलती। अच्छा, मतलब सिक्योरिटी के कारण उन्हें वहाँ फिर जॉब को लेफ्ट करके यहाँ पे आना पड़ा। हाँ जी, हाँ, ये रीज़न था, मेन रीज़न ये था। बहुत बुरा लगता होगा इस सिचुएशन में? हाँ, बहुत बुरा है। तो हम यहाँ बहुत खुश हैं क्योंकि हिंदुस्तान बहुत, इसका सिक्योरिटी भी अच्छा है, सब अच्छा लगता है। इंडिया के फ्रीडम और अफगानिस्तान के फ्रीडम के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया का फ्रीडम तो बहुत है, अफगानिस्तान इतना फ्रीडम नहीं है क्योंकि वहाँ सेफ नहीं है, इसलिए वो सिक्योरिटी भी नहीं है। यहाँ बहुत फ्रीडम है,
घर के लिए यहाँ पे फ्रीली घूम सकते हैं। बॉलीवुड में इंटरेस्ट है? बॉलीवुड मूवीज हाँ थोड़ा थोड़ा, बस बहुत ज़्यादा नहीं देखती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, पढ़ाई करती हूँ। अच्छा मैं आपको बोल दूँ कि हमारी ऑडियंस को या इंडिया के बारे में आप एक वर्ड या एक सेंटेंस बोलिए तो क्या बोलेंगे इंडिया के बारे में? इंडिया इज द बेस्ट कंट्री एंड द फ्रीडम कंट्री फॉर एवरीवन। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने देखा वीडियो फाइनली ख़त्म भी हो चुका है। वो कितनी क्यूट थी ना जब वो हिंदी बोल रही थी ना, तो एक अलग ही लेवल का क्यूटनेस झलक रहा था यार। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा वीडियो। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार। तो जैसे कि उन्होंने कहा ना, इंडिया में फ्रीडम है, सिक्योरिटी है और सब चीज़ का सुख सुविधा है यार। मैं भी दो तीन बार इंडिया गया हुआ हूँ, उतनी बार तो नहीं गया और उतने बड़े शहर को भी नहीं गया। जो नेपाल के पास वाले शहर है ना, छोटे छोटे गांव है, वहां पर गया हुआ हूं। तो वहां पर जाके मुझे ये पता चलता है कि वहां के लोगों को सब चीज़ का सुख सुविधा है। वहां के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने लोन का व्यवस्था भी कर लिया है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप गरीब घर के हो, तो आप लोन लेके कुछ कर सकते हो, अपने लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आप पढ़ नहीं सकते, अगर आप शिक्षित होना चाहते हो लेकिन आप पढ़ नहीं सकते, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट हेल्प करती है। मिल मिला के ये मान सकते हो कि हर एक चीज़ में यार, हर एक चीज़ में गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। यहाँ तक कि खाने पर लाने की वस्तु में भी आपको देते हैं गवर्नमेंट। मैंने बहुत ही सारे ऐसे घर भी वहाँ पर देखे थे जो मंथली में भी एक बोरा चावल, गैस, सब कुछ दे रहे थे मंथली। तो आप सोच ही सकते होंगे वहाँ के लोगों का हर एक केयर करते हैं यार वहाँ के गवर्नमेंट। आप अफगानिस्तान में ही नहीं, हमारे भी कंट्री में देख सकते हो, यहाँ के लोग तो सब लोग फ्रीडम से तो रहते हैं, फ्रीडम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन जब आती है शिक्षा की बात, जब आती है खाने पीने के बात, जो गरीब घर के लोग हैं तो उनके लिए ना थोड़ा बहुत गवर्नमेंट केयर नहीं करती जहाँ तक मुझे लगता है यार। और जॉब का व्यवस्था भी यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है, जब करना है तो करो, नहीं तो बाहर जाओ, खाड़ी मुल्क में काम करो, ऐसा लगता है हमारे कंट्री में। बाकी इंडिया में तो मैंने जहाँ तक देखा है गवर्नमेंट जो है खाने पीने से लेकर शिक्षित होने तक मदद करती है। तो ये लड़की ने जो जो कहा है ना, मुझे एकदम सही लगा है यार। तो आप देख ही सकते होंगे इंडिया इज हेवन ऑन अर्थ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय नेपाल, जय हिंद।